अस्सलामुअलैकुम। मौश न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ आयशा अहमद। नाज़रीन, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, किताबें ही किताबें मौजूद हैं। किताबों से मोहब्बत करना एक इंसान की फितरत में है, और ऐसा कौन सा इंसान है जिसको किताबों से मोहब्बत नहीं होगी। इनकी एक अपनी ही अलहदा दुनिया है। नाज़रीन, चलते हैं इस रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों के पास और जानते हैं कि उनकी किताबों से रिलेटेड कितनी मोहब्बत है, ताकि वो यहाँ पर मौजूद इस रीज़न की वजह से हैं या फिर किसी और रीज़न की वजह से हैं। चलिए चलते हैं। अस्सलाम। अच्छा, आप इस रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, थोड़ा सा इस रेस्टोरेंट के बारे में बताएं, इसके इंटीरियर के बारे में बताएं कि कैसा है इंटीरियर। तो इसका अच्छा, वैसे हम लोग यहाँ बाहर से गुजर रहे थे तो हमें नज़र आया, और एक रिकमेंडेशन भी थी तो हमने कहा चलो ट्राई कर देते हैं। इंटीरियर अच्छा है, बाकी खाना एवरेज कह रहे हैं आप, एट बेस्ट अभी तक जितने। अच्छा, आपको आप मतलब आप यहाँ पे बैठे हैं, कुछ आपको इंजॉयमेंट या कुछ एक सुकून सा फील नहीं हो रहा? बस ये बुक्स वाली जो वाइब है थोड़ी सी वो अच्छी है, और इतना खास ही है, ऐसा खास बुक्स पसंद नहीं है मुझे। मैंने कहा चलो पास जाके बैठ जाते हैं, शायद कोई फ़ायदा हो जाए। बुक्स 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 इंसान की पर्सनालिटी इंडिकेट नहीं करते कि आपको बुक्स से कितनी मोहब्बत है, क्योंकि ये आपकी इन पर्सन पर्सनालिटी को इंडिकेट कर ये करती हैं बुक्स, लेकिन मतलब अब तो ख़त्म हो गए, इतना खास है नहीं मैं मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन जो है। लेकिन बस ठीक है, मज़े की जगह है और सुकून वाला है माहौल, ये तो है। खाना एट बेस्ट एवरेज ही है, इतना खास पसंद नहीं आया अभी तक। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आपका यहाँ पे आने का बेसिकली रीज़न है, कहीं इंस्टाग्राम से फाइंड आउट तो नहीं कर लिया था? नहीं नहीं, ऐसे ही हम बस बाहर से गुजर रहे थे, कॉफ़ी का मूड था तो हमने कहा चलें इधर आगे ट्राई करते हैं, तो इसी वजह से आए। रिव्यूज़ क्या हैं बेसिकली? रिव्यूज़ अभी हमने एक दो चीज़ें ट्राई करी हैं, कुनाफा ट्राई किया था इनका और एक पेस्ट्री थी, तो एवरेज लगी थी। बाकी अभी कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आ भी गई है कॉफ़ी। बुक्स से आपको कोई खास उनसीयत तो नहीं है या फिर कोई और रीज़न? नहीं, बुक्स पढ़ते हैं हम बुक्स, लेकिन इतनी खास उनसीयत तो नहीं है, बस यही रीज़न है इधर आने की। आप जी जी इधर नहीं, इधर आने की ऑब्वियसली बुक्स तो रीज़न नहीं है। इधर से मैं जैसे पहले बताया, हम बाहर से गुजर रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था इधर बुक्स वगैरह रखी हैं, एम्बियंस अच्छा लग रहा था, तो इस वजह से। रीज़न ये था कि इनकी हाइटी का मैंने एक पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड हाइटी सीम्ड वेरी नाइस, काफ़ी इनका डाइवर्स ही मेन्यू आइटम्स लग रहे थे, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल हाइटीज़ वी हैव इन अदर रेस्टोरेंट्स, तो इस वजह से हम यहाँ पर आए। बस यही रीज़न है, कोई ये रीज़न नहीं था कि बुक्स से आपको कोई उनसीयत है या आपकी कोई उनसे रगबत है जिसकी वजह से आप यहाँ पे, मुझे ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, नॉट रियली, क्योंकि अगर बुक्स की वजह से कहीं जाना तो आप सईद बुक बैंक जाएंगे, आप रेस्टोरेंट तो अच्छे खाने के लिए आते हो और यू नो गुड एम्बियंस होनी चाहिए। सो जस्ट फॉर द एम्बियंस? यस, एम्बियंस एंड ऑब्वियसली द हाई टी प्लेटर सीम्ड वेरी गुड। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, यहाँ के रिव्यूज सुने लोगों के बारे में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, आप इन्वायरमेंट चेक कर सकते हैं, एम्बियंस देख सकते हैं। नाज़रीन, अपनी नौइयत का ये इस्लामाबाद का एक फेमस रेस्टोरेंट है, जो कि एक डिफरेंट नौइयत से एक डिफरेंट इंटीरियर के साथ बनाया गया है। हाँ, मैं आपको एक रिव्यू ज़रूर दे सकती, अगर आप बुक्स लाइक करते हैं, बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। इसके अलावा साथ साथ आप अच्छे खाने भी इंजॉय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मौश न्यूज़ की जानिब से चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। मुझे भी थोड़ी बुक्स पढ़ लेने दें।